सरगुजा पुलिस की एक अभिनव पहल से बुधवार को आई मंथन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 24 से अधिक वॉलेंटियर की भर्ती कर जिले में पुलिस विभाग ने चलाई जा रही योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन करने की जिम्मेदारी शहर के युवाओं को दी गई है। दरअसल सरगुजा पुलिस ने सरगुजा जिले में आई मंथन योजना की शुरुआत बुधवार से की गई है, जिसमें सरगुजा पुलिस द्वारा चलाई जा रही नवा बिहान के तहत नशा मुक्ति अभियान, लोगों को फिट रखने के लिए फिट कॉप फिट सिटी, साइबर क्राइम की गतिविधियों पर नजर सहित सरगुजा पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की देखरेख 24 से अधिक वॉलेंटियर के निगरानी में काम किया जाएगा और इसकी जानकारी इनके मध्य से बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकेगा। आज आई मंथन कार्यक्रम का यहाँ कोऑर्डिनेशन सेंटर में सरगुजा पुलिस द्वारा शुभारंभ किया गया है। ये एक परिकल्पना है जिससे हमारे समाज का जो युवा वर्ग है वो डायरेक्टली सरगुजा पुलिस के साथ में आए और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हमारे शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो नवा बिहान हो, चाहे वो महिला सुरक्षा में हिम्मत और हमर बेटी हमर मान का कार्यक्रम है या फिट कॉप फिट सिटी का कार्यक्रम जो सरगुजा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, उसके बेटर क्रियान्वयन के लिए हमारे सहयोग करेंगे। इसमें लगभग 24 बच्चों का 8वीं से 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनका चयन किया गया है और आने वाले समय में सभी सामुदायिक पुलिसिंग के आयामों में वो हमारे साथ जुड़ के उनको बेटर क्रियान्वित करेंगे। मेरा नाम शंभू मजुमदार है। आज सरगुजा पुलिस द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है आई मंथन, जिसके तहत सरगुजा पुलिस में बहुत सारी जो काम है, जैसे कि नवा बिहान योजना है और फिट कॉप फिट सिटी है और अर्पण है, ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं जिसके तहत सरगुजा पुलिस काम करती है, उस पर हम सरगुजा ज़िले से कुल टोटल 24 वॉलंटियर्स को सेलेक्ट किया गया है इंटरव्यू के माध्यम से और हम सरगुजा पुलिस के साथ मिलकर इन कार्यक्रमों में उनका साथ देंगे और आने वाले समय में जो भी यातायात व्यवस्था है, साइबर सिक्योरिटी है, नवा बिहान है और फिट कॉप फिट सिटी के क्षेत्र में हम काम करेंगे। हमारा यह दायित्व सरगुजा पुलिस की तरफ से हमें सौंपा गया है।